दरभंगा प्राइम में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करें पहली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में एक दर्दनाक हादसे में छात्र की मौत की खबर सामने आई, जिससे गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया और पुलिस पर लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। घटना चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर की बताई जा रही है, जहां एक ट्रक ने छात्रों को रौंद दिया। देखिए किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ पे एक ट्रक ने छात्रा को रौंद दिया था, जिसके बाद ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। छात्रा की मौत पर बवाल मचा हुआ है, उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। कानपुर की ये घटना है जहाँ छात्रा की मौत पर बवाल मचा है, लोगों में गुस्सा है। दरअसल छात्रा को ट्रक ने रौंदा, लेकिन छात्रा तब भी जिंदा थी। अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर, ट्रक ने छात्रा को रौंदा और गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। एबीपी गंगा संवाददाता प्रभात इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, इस वक्त कैसी स्थिति वहाँ? जी देखिए, अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो जैसे ही यहाँ पर जो आक्रोशित भीड़ थी उसने जब पथराव करना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए लोगों को खदेड़ा है। और वहाँ पे जो जाम लगा हुआ था नेशनल हाईवे 2 जो कानपुर से दिल्ली मार्ग है, वहाँ पर इन लोगों ने हाईवे जाम कर रखा था, उसको फिलहाल खुलवा दिया गया। अगर पूरी घटना की बात की जाए तो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, क्योंकि एक ट्रक जो है वो लापरवाही के चलते अपना बैक कर रहा था, उसी दरमियान एक छात्रा उसकी चपेट में आ जाती है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल छात्रा को हॉस्पिटल पहुंचाने की जगह जो ट्रक चालक है वो ट्रक लेकर फरार हो जाता है मौके से, जिसके बाद जो पब्लिक है वो गुस्सा जाती है और पथराव करना शुरू कर देती है। वहीं जो लोग थे, क्षेत्रीय लोग थे, आनंद फानंद में छात्रा को जब हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, उसी दरमियान जब उसकी मौत हो जाती है तो लोगों का गुस्सा और फूट जाता है और उसके बाद वो नेशनल हाईवे जो 2 है वहाँ पे जाम लगाते थे। सूचना में पुलिस जो पहुंचती है, लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आक्रोश था उसके चलते वो मानने को तैयार नहीं थे और लगातार नारेबाजी, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और जल्द से जल्द ट्रक चालक और ट्रक मालिकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात को मांग को लेकर वो हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज कर लोगों को यहाँ से हटाया और फिलहाल जाम को खुलवाया और पीड़ित परिवार है उसकी तहरीर पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पीड़ित परिवार अब गुस्से में है और उसकी तहरीर पर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल देखिए किस तरीके से लोगों का भी गुस्सा सड़क पे देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कानून और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो चालक है उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस तरीके से जाम लगा देना, हंगामा करना, ये कहां तक जायज़ है? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गुस्से में लोग अपना आपा खो देते हैं और इस तरीके से परेशानी का सबब बन जाते हैं खुद ही लोगों के लिए। और आगरा से भी हिट एंड रन का केस सामने आया है। दरअसल यहां तेज रफ्तार कार ने 4 छात्रों को कुचल दिया। घटना थाना हरि पर्वत क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां मैनपुरी से डिग्री लेने पहुंचे कार सवार 3 युवकों ने यूनिवर्सिटी के बाहर एंट्री पास लेने के लिए लाइन में लगे लोगों को रौंद दिया। हादसे की यह तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से बेकाबू कार ने 4 छात्रों को कुचल दिया। दरअसल कार सवार 3 युवक ने 4 साल पहले यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और यहां प्रोविजनल डिग्री लेने के लिए आगरा पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार एक नौसिखिया ड्राइवर चला रहा था। हालांकि हादसे के बाद कार सवारों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर सभी को धर दबोचा। और बस्ती में सड़क हादसे के बाद NH-28 पर एक ट्रक में आग लग गई। एक ब्लास्ट के बाद देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ ओवरब्रिज पर खड़े एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद ब्लास्ट होता है और उधर रोक देना ट्रैफिक को। तो एक ट्रक को दूसरा ट्रक पीछे से आकर के टक्कर मारता है और ब्लास्ट के बाद आग का गोला ये ट्रक, बाकी गाड़ियों ने इससे दूरी बना ली।
एक और उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराध पर काबू करने के लिए बदमाशों के एनकाउंटर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता और पुलिस में संग्राम की कई तस्वीरें भी सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस के जवान ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, तो वहीं बरेली में ग्रामीणों ने सिपाहियों के साथ मारपिटाई की, इसमें एक युवक गोली लगने से घायल भी हो गया। पुलिस और पब्लिक के संघर्ष की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां पुलिस के सिपाही एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर बरेली की है, जहां एक जमीन विवाद की सूचना पर पहुंचे सिपाहियों को ग्रामीणों के गुस्से का शिकार बनना पड़ा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 145 मेट्रो स्टेशन पर तैनात इन पुलिस के जवानों को देखिए, जहां खाकी वर्दी में दिख रहा ये सिपाही एक युवक को बेरहमी से पीट रहा है। हालांकि ऐसा कहर इस लड़के पर क्यों ढाया जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। देखिए, इस सिपाही के साथ एक और सिपाही भी मौजूद है। यहां ये सिपाही रोड किनारे खड़े एक युवक का वीडियो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच युवक और सिपाही में कुछ कहासुनी होती है और सिपाही धक्का मुक्की के साथ मारपीट पर उतर आता है। युवक को पिटता देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान कुछ लोग सिपाही को मारपीट करने से रोकने की कोशिश करते हैं और बड़ी मुश्किल से मामला शांत हो पाता है। मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाने में पीएसी के इस सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी सिपाही का नाम सुमेश बताया जा रहा है, जो ग्रेटर नोएडा के पीएसी बटालियन का जवान है और सेक्टर 146 मेट्रो स्टेशन पर तैनात है। पुलिस के सिपाही को दौड़ाते, उससे धक्का मुक्की करते ये ग्रामीण खाकी में दिख रहे जवानों को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। ये तस्वीरें बरेली के फतेहगंज पूर्वी और दातागंज थाना क्षेत्र में आने वाली नगरिया कला की है, जहां सिपाही से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद की सूचना पर डायल 100 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों ने एक सिपाही को घेर लिया और उसके साथ धक्का मुक्की की जाने लगी, वहीं उसे भद्दी भद्दी गालियां दी जाने लगी। इतना ही नहीं, सिपाही की पिस्टल भी ग्रामीणों ने छीन ली। वहीं इस विवाद में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और सूबे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं पुलिस के साथ पब्लिक के संघर्ष की ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा से बलराम पांडे और बरेली से अनूप मिश्रा, एबीपी गंगा। और पश्चिमी यूपी से लेकर के अवध और पूर्वांचल तक पुलिस के आगे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। लगातार हो रही मुठभेड़ में अब तक कई बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं जो बचे हुए हैं उन्हें धर दबोचने के लिए पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। गाजियाबाद, मेरठ, शामली और वाराणसी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाशों को भी धर दबोचा है। पुलिस की मुठभेड़ में ढेर ये बदमाश 1 लाख रुपए का इनामी मेहरबान है। मेहरबान नाम के इस बदमाश ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 65 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेहरबान गाजियाबाद में भी एक वारदात को अंजाम देने आया है। इस पर नोएडा एसटीएफ ने इस शातिर बदमाश की घेराबंदी शुरू कर दी। इसी बीच गाजियाबाद में पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में 1 लाख रुपए का इनामी मेहरबान नाम का ये बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कि आज ये कोयल अपार्टमेंट जो कि साहिबाबाद थाने में पड़ता है, वहाँ एक पुलिस मुठभेड़ हुई, जिस पुलिस मुठभेड़ में एसटीएफ की नोएडा यूनिट और हमारी साहिबाबाद की पुलिस संयुक्त रूप से शामिल थी। इसमें
एक सेंट्रो कार में तीन बदमाश थे और उनके द्वारा जब उन्हें जब रोकने का प्रयास किया गया तो कोयल अपार्टमेंट में घुसे और तीनों बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस की काउंटर फायरिंग में एक बदमाश मेहरवान जो कि 1 लाख का इनामी बदमाश है और 65 लाख की चार्चा में लूट हुई थी उसमें शामिल था, वो घायल हुआ। हमारे एसटीएफ यूनिट के एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल भी घायल हुए। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल लेके जाया गया जहां मेहरवान को मृत घोषित कर दिया गया है। मेरठ पुलिस की गाड़ी में घायल पड़े ये दोनों बदमाश कोई मामूली बदमाश नहीं है बल्कि 25,000 रुपए के इनामी अजय और विजय हैं। बुधवार रात पुलिस ने बाइक पर इन दोनों बदमाशों को रोकने का इशारा दिया लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी इनकी फायरिंग का जवाब दिया और दोनों पुलिस की गोली का निशाना बन गए। पुलिस ने 25,000 रुपए के दोनों बदमाश अजय और विजय को गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। दो संदिग्ध लोगों को देखते ही इनके द्वारा रोका, बदमाश रुके नहीं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस टीम को टारगेट करके फायर करना शुरू किया तो इन्होंने आड़ लेके अपने बचाव का बखूबी परिचय देते हुए आत्मरक्षात्मक कार्रवाई किया जिसमें दो बदमाश घायल हुए। दोनों को तुरंत चिकित्सालय भेजा गया है। प्राथमिक पूछताछ में उनके द्वारा नाम अपने अजय और विजय बताए गए। उनके द्वारा बताया गया कि शामली से वो वांटेड हैं 302 के मामले में। अंधेरे में टॉर्च लेकर खेत में भागते पुलिस के ये जवान बदमाशों के लिए मुसीबत साबित हुए हैं। तस्वीरें शामली की हैं जहां पुलिस को एक चेन स्नेचर गिरोह की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार तीन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो एक बदमाश ने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने भी बदमाशों का पीछा नहीं छोड़ा और खेत में जाकर छिपे बदमाशों को ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने लगातार फायरिंग जारी रखी जिसके चलते गोली लगने से एक जवान घायल हो गया। वहीं पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश भी घायल हो गया जिसे पुलिस ने धर दबोचा जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। और ये बदमाश थाना भवन से गढ़ी पुख्ता की तरफ जाने की इनकी सूचना थी और इस पे घेराबंदी करते हुए मुस्तैदी के साथ उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हुई मगर ये दुर्दांत बदमाशों ने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। इसके प्रत्युत्तर में आत्मरक्षा में हमारी पुलिस टीम ने भी उन पे फायर झोंका और उनको डरा करके गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर ये फायरिंग करते हुए झाड़ियों में छुपने लगे। फिर हमारी टीम ने घेराबंदी करके और काफ़ी फायरिंग की, उसमें एक बदमाश चिल्ला के ज़मीन पे गिर गया और उसको हिकमत अमली से हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के पीसौर की हैं। यहाँ गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश राजू बिहारी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बदमाशों ने भी पुलिस पर गोली चलाई जिसमें एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया। राजू बिहारी नाम के इस बदमाश पर हत्या और लूट समेत 32 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी ऊपर कोराजी लोहता पुलिस के द्वारा, उसी समय पे एक बाइक पे सवार दो बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर करके भागने लगे। उनको घेराबंदी करके नीचे यहाँ पे पकड़ा गया और उसमें से जवाब में पुलिस के द्वारा जो है अपने बचाव के लिए फायर किया गया जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। इसका नाम बाद में राजू बिहारी के नाम के जो है राजू बिहारी और राजू यादव के रूप में जो है इसकी शिनाख्त हुई है। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। बदमाश डाल डाल तो पुलिस पात पात। या तो बदमाश सरेंडर कर रहे हैं या फिर पुलिस की गोली का निशाना बन रहे हैं। ऐसे में पुलिस के ऑपरेशन ऑल आउट का असर पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद से विपिन तोमर, मेरठ से सुधीर चौहान और शामली से पंकज प्रजापति के साथ वाराणसी से संतोष चौरसिया की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो संभल में पुलिस वैन से फिल्मी स्टाइल में फरार हुए तीन कैदियों ने कानून को चुनौती देने का इधर काम किया। दरअसल कैदियों ने यूपी पुलिस के जिन दो पुलिस कर्मचारियों की हत्या की, अब उनके परिवार में गम का माहौल है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भी दी। इसके साथ ही फरार कैदियों पर यूपी पुलिस ने 2.5-2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। संभल में ये शव उन बहादुर पुलिस कर्मियों के हैं जो अपने फर्ज की राह में कुर्बान हो गए। शहीद पुलिस कर्मियों को संभल में पोस्टमार्टम के बाद आला अधिकारियों ने कंधा देकर मुरादाबाद पुलिस लाइन के लिए रवाना किया। ये तस्वीरें संभल में कैदियों की फायरिंग में शहीद हुए सिपाही ब्रजराज और हरेंद्र की हैं, जिनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ब्रजराज के परिवार में उनकी बुजुर्ग माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बेटे की मौत पर माँ इंसाफ की मांग कर रही है। वहीं शहीद सिपाही हरेंद्र कुछ महीने में रिटायर होने वाले थे। उनकी मौत से घर ही नहीं पड़ोस के लोग भी गमजदा दिखे। जो चंदोसी लूटी थी कचहरी सा मुलजिम ले जावा था मेरा लाल, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए खून के बदले, खून चाहिए मेरे लाल का। पड़ोस में बहुत अच्छे नेचर के आदमी थे, हरेंद्र सिंह सिरोही जी। तो ये अपने ड्यूटी पे गए थे, संभल में ये तैनात थे, संभल डिस्ट्रिक्ट में, और उनके साथ में कुछ बदमाशों ने इनके साथ में कुछ गलत हरकत कर दी, जिसकी वजह से इनको गोली मार दी और उनके ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ये वही प्रिजनर वैन है जिससे संभल में कोर्ट से पेशी के बाद कैदियों को मुरादाबाद वापस लाया जा रहा था। इस दौरान तीन कैदियों ने प्रिजनर वैन में मौजूद दोनों सिपाहियों की आंख में मिर्च पाउडर डालकर उनकी राइफल छीन ली थी और गोलियां बरसाकर दोनों की हत्या कर फरार हो गए थे। इस हमले में सिपाही ब्रजपाल और हरेंद्र यादव शहीद हो गए। दोनों ही बिजनौर जिले के रहने वाले थे। वहीं फरार कैदियों के नाम कमल, शकील और धर्मपाल बताए जा रहे हैं, जो करीब 5 साल से लूट, हत्या, अपहरण और गैंगस्टर जैसे अपराधों में मुरादाबाद जेल में बंद थे। अब फरार कैदियों को कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। तो देखिए, इस बीच बड़ी खबर, संभल में सिपाहियों की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। कैदियों को पेशी पर दिए गए थे हथियार। ये बहुत बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम में ये बड़ा खुलासा सामने आया है कि कैदियों को हथियार दिए गए थे जब वो पेशी के लिए जा रहे थे। एक सिपाही को देसी तमंचे से गोली मारी गई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। यानी कि देसी तमंचा कैदियों के पास कहां से आया, जब वो पेशी के लिए जा रहे हैं, जेल के भीतर है और ऐसे में पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें ले जाया जा रहा है, उस बीच उनके पास असलहा कहां से आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आया वो चौंका देने वाला है। सिपाही को देसी तमंचे से गोली मारी गई, यानी कि स्पष्ट है कि उन कैदियों के पास हथियार था, अवैध हथियार थे या वैध हथियार थे, लेकिन उन तक पहुंचे कैसे, ये बड़ा सवाल। उन सिपाही को वो गोली मार देता है, गोली मार फरार हो जाता है। संभल में सिपाहियों की हत्या मामले में ये बड़ा खुलासा, बड़ी खबर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, वाकई वो चौंका देने वाली है। एक सिपाही को देसी तमंचे से गोली मार दी जाती है। पहले यह खबर आ रही थी कि इनके हथियार को लूट करके इन्हें निशाना बनाया जाता है, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह स्पष्ट है कि देसी तमंचे से इन्हें गोली मारी गई है, एक सिपाही को। संभल में सिपाहियों की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने के आने के बाद ये बड़ा सवाल प्रशासन पे ही अब खड़े होना शुरू हो चुका है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इन्हें भगाने की ये पहले साजिश रची गई थी, उन सिपाहियों को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। संभल में सिपाहियों की हत्या मामले में ये बड़ा खुलासा। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये देसी तमंचा इनके पास आया कहां से। सिपाही की निगरानी में ये जाते हैं कोर्ट में पेशी के लिए, जेल के भीतर ये होते हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच होते हैं, और ऐसे में इन तक देसी तमंचा पहुंचाया कैसे जाता है, और क्या वाकई किसी को भनक नहीं, इन सिपाहियों को भनक नहीं थी कि क्या इनके पास देसी तमंचा है। पोस्टमार्टम में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है कि जब पेशी के लिए लेकर जा रहे थे ये सिपाही, उस वक्त इनके पास देसी
तमंचा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें ये स्पष्ट है कि गोली इन्हें मारी गई है देसी तमंचे से। एबीपी गंगा संवाददाता उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं इस खबर पे अपडेट के साथ। उबैदुर, ये जो खबर सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसकी पूरी डिटेल्स बताइए, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार इनके पास देसी तमंचा कहां से आ गया? जी हाँ, जब कल रात हमारी बात हुई थी, जो कैदी उस प्रिजनर वैन में मौजूद थे चश्मदीद, उनसे जब मैंने बात की थी तो उन्होंने भी बताया था हमसे बातचीत में कि फायरिंग हुई थी और उनके हथियार थे, यानी कि जब वो तारीख पे गए थे अदालत में तो वहां पर जर्नली ये होता है कि परिजन आते हैं, खाने की चीज देता है, कोई फ्रूट देता है, तो उस दौरान संभवतः उनको वहां पर हथियार दे दिया गया हो और वहीं पर मिर्च पाउडर दिया गया हो, क्योंकि जो चश्मदीद गवाह कैदी थे जो उस वैन में मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने पाउडर मिर्च पाउडर जो है आंखों में झोंका था और फायरिंग की थी, उन पर हथियार थे और उसके बाद वो जो है चैनर को खींच करके नीचे से और उससे निकले हैं बाहर, और उसके बाद उन्होंने राइफल भी छीन ली थी सिपाही से, तो संभवतः उनको हथियार वहीं दिया गया है। जब वो अदालत में गए थे तो कहीं आते जाते बाहर अदालत के कहीं परिजनों ने या जो उनके गैंग के अपराधी होंगे उन्होंने उनको उस वक्त तमंचा मुहैया करा दिया होगा, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आता है कि जब तारीख पर पेशी पर अपराधी आते हैं तो उनके परिवार वाले वहां पर उनसे आसानी से मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और कोई खाने पीने की चीज भी उनको अगर देनी होती तो दे देते हैं, मानवता के नाते पुलिस अधिकारी जो। लेकिन वहां भी खुली छूट इन्हें नहीं दी जाती है कि अपने परिवार वालों से मिलने और कोई भी इनसे मिल करके इन्हें कोई भी चीज आसानी से पहुंचा सकता है बिना सिपाही की इजाजत की और निगरानी में? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जर्नली है देखा यही जाता है कि जो सिपाही ड्यूटी पर होते हैं वो इस मामले में खाने पीने की चीजों में थोड़ा सा नरमी बरतते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हथियार या इस तरह की चीजें जो हैं वो अपराधियों की पहुंच तक पहुंच जाती हैं, पुलिस कस्टडी में भी होना तो यही चाहिए कि अपराधियों से किसी को नहीं मिलने देना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनके साथ नरमी हो जाती है और उसका फायदा अपराधी और उनके परिजन उठा लेते हैं या उनके जो गैंग के लोग होते हैं वो उसका फायदा उठा लेते हैं, और इसी वजह से जेल में या अपराधियों तक उसके अंदर प्रिजनर वैन में इस तरह की चीजें पहुंच जाती हैं और उसी वजह से उसी चीज का खामियाजा फिर पुलिस वालों को ही भुगतना होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जरा सी लापरवाही इन सिपाहियों की जान पे बनाती है, और अगर वहां देसी तमंचा इन्हें दिया गया जब ये पेशी के लिए जा रहे थे, इनके घर वालों ने दिया, वो मिर्च पाउडर इन्हें दिया मिलने के बहाने से दिया, तो बड़ी लापरवाही है ये सिपाहियों की जो इन्हीं की जान पे बनाई। कैदियों को पेशी पर दिए गए थे हथियार और उसी का इस्तेमाल करके मौत के घाट उतारा सिपाही को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये बड़ा खुलासा। इधर मायावती के भाई आनंद कुमार पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। नोएडा में मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी की करीब 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर दी गई। आयकर विभाग ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के भाई और पार्टी उपाध्यक्ष आनंद कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आयकर विभाग ने 400 करोड़ रुपए के एक बेनामी प्लॉट को जब्त किया है और ये प्लॉट दिल्ली से सटे नोएडा में है। दरअसल मायावती के भाई आनंद कुमार की संपत्ति की जांच आयकर विभाग कर रहा था। आयकर विभाग को इस जांच में पता चला कि आनंद पास नोएडा में तकरीबन बेनामी प्लॉट है 7 एकड़ में फैला हुआ है जो, और कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है। आयकर विभाग के सूत्रों का दावा है कि आनंद कुमार की कुछ और बेनामी संपत्तियों की जानकारी उनके पास है जिसे भविष्य में जब्त किया जा सकता है। आनंद कुमार के खिलाफ हुई इस कार्रवाई की आंच मायावती तक भी पहुंच सकती है। इस मामले की जांच आयकर विभाग के अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी कर रही है। तो मायावती के भाई की संपत्ति जब्त होने के मामले पर अमर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने, सुनाते हैं आप। कहा यह जा रहा है कि अभी वो राजनीति में आए, उनको जिम्मेदारी मिली और रेड शुरू हो गई। अरे सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता बदलती है, व्यापारी अधिकारी नहीं बदलते। रमारमन 20 साल तक नोएडा को रमता है, चाहे मायावती रहे चाहे मुलायम सिंह जी रहे, उसी तरह यादव सिंह रहता है, दोनों का प्रिय रहता है। क्या आपको मालूम है कि यादव सिंह को बचाने के लिए राम गोपाल जी ने एक विधि आयोग बनवाया और उस विधि आयोग से क्लीन चिट दिलवाई। मायावती भी बचाना चाहती हैं, राम गोपाल भी बचाना चाहते हैं, और चंद्रचूड़ जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस इलाहाबाद थे, तो उन्होंने एक आदेश दिया जिसमें 9 कंपनियां थी रामारमन की और यादव सिंह की। एक कंपनी असम बिजवल प्राइवेट लिमिटेड थी, वो कंपनी, उस कंपनी में आनंद भी है और राम गोपाल का लड़का अच्छा भी है। उसकी जांच आज तक नहीं हुई,
कोई सिरफिरा अगर मुकदमा ठोक दे, पीआईएल कर दे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन जाएगा। लेकिन बेनामी संपत्ति की बात करते हुए सीबीआई जांच कर रही है, आपको लगता है कि वाकई में है? निश्चित रूप से पोंटी चड्डा शराब बेचेंगे, फ्लैक्स वाला अशोक चतुर्दी होलोग्राम बेचेंगे, सरकार किसी की हो, और बरेली में बच्चों का खाना भी एक ही व्यापारी बेचेगा, सरकार किसी की हो। तो यहाँ पर बड़े भूखे नंगे लोग घूम रहे हैं, अधिकारी व्यापारी नहीं बदलते। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी सुरक्षा में कटौती की मांग की। इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी को पत्र भी लिखा। प्रियंका गांधी ने लिखा कि सुरक्षा व्यवस्था से जनता को परेशानी होती है। हालांकि इस दौरान प्रियंका गांधी ने सुरक्षा इंतजामों की तारीफ भी की। इसके लिए प्रियंका ने अपने रायबरेली दौरे का जिक्र किया है। तो ये वो लेटर की कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसके जरिए इन्होंने अपनी सुरक्षा में थोड़ी कटौती की मांग की है योगी सरकार के। हालांकि इंतजामों की तारीफ भी इन्होंने की, जिस तरीके से इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखिए उत्तराखंड प्राइम। नमस्कार।